भाई लोग, आपका भाई पहुंच चुका है करेरी में, जहाँ की पैदल। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। तो आपका भाई फिर से आ गया एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज आपका भाई जा रहा है ट्रैकिंग पर, और आपको दो दिन ट्रैकिंग के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो आज का ट्रैक होगा बटौरनाग वैली, जो कि हमारे घर से कम भी 7-8 घंटे का पैदल रास्ता है। तो हमने 7 बजे से अपना ब्लॉग जो है वो शुरू कर दिया है, और अपना ट्रैक भी शुरू कर दिया है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं रास्ते में। तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ की लोकेशन है, और यहाँ पर माँ काली का मंदिर भी है। तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह का ये मंदिर है, और कितनी डेंजरस जगह पर ये मंदिर बनाया गया है। और कुछ इस प्रकार की लोकेशन रहेगी यहाँ से, जो कि आप देख सकते हो। और ये जो विलेज पड़ा है, ये जगत विलेज है। और ये देखो, लोकेशन चेक मार लो आप। और ये देखो ये है कोंरा वैली, और हमारा डेस्टिनेशन होगा फर्स्ट वहाँ पे। उसके बाद फिर सेकंड डेस्टिनेशन होगा हमारा बटौरनाग वैली। तो आज हमें उधर तक तो पहुँचना ही पड़ेगा, वो जो टॉप दिख रहा है, और फिर उसके बाद बटौरनाग वैली के लिए हमारा सफ़र जारी हो जाएगा। खाने वाले हैं सेब, जो कि इधर लगे हुए हैं, और हमारे साथ एक ट्रैकर आया हुआ है, जो कि उसका बगीचा पड़ गया है। तो अब हम जाते हैं खेत में और खाते हैं। और कुछ इस प्रकार का रास्ता है, तो इधर से होकर जाना पड़ेगा। और ये देखो। तो कुछ इस प्रकार का है ये सेब का पेड़, और अब हम खाने वाले हैं सेब। तो आप देख ही सकते हो कि कुछ इस प्रकार के सेब लगे हुए हैं इस पेड़ के ऊपर, ये देखो। तो अब हम खाएंगे सेब। तो चलो फिर मिलते हैं रास्ते में। तो कुछ इस प्रकार के जो सेब है, वो हमारे साइड पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि वो रेड रेड हो चुके हैं फिलहाल। तो कोई होगा खाने वाला तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ये रहे अखरोट का पेड़, जो कि अखरोट भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ टाइम बाद ये भी पकना पक जाएंगे और खाने लायक हो जाएंगे। तो बज चुके हैं 9, और हम पहुँच चुके हैं कोंरा वैली में, जो कि हमारे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। तो हमारा 2 घंटे का जो ट्रैक था वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम आप लगा सकते हो कि हमारा 10-20% जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। और अभी हमारे साथ हमारे भाई लोग। तो हेलो गाइस, सभी को बोल दो कैसे हो सभी, ऐसे बोल दो। तो ये हमारे भाई लोग, जो कि हमारे साथ ट्रैक पर जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम ट्रैक पर जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं रास्ते में, तब तक के लिए बने रहिएगा ब्लॉग में। तो ये है गांव का नेचुरल ठंडा ठंडा वाटर, जो कि बहुत ही ठंडा है पीने में, फ्रिज के से भी ठंडा है। भाई लोग, आपका भाई पहुंच चुका है करेरी में, जहाँ की पैदल ट्रैक शुरू होता है, जहाँ से कि अब हम पैदल चढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो अभी हमने इधर थोड़ा सा इंजॉय वगैरह किया, तो अब इधर से हमारा ट्रैक शुरू होगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे भाई लोग जो है वो चलना स्टार्ट हो चुके हैं, इस प्रकार से रास्ता है। और ये देखो, और ये देखिए, तो चढ़ाई चढ़ना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम 10 मिनट हो गया हमें चढ़ाई चढ़ते। तो आगे आगे बाबा लोग चल रहे हैं, और पीछे पीछे आपका भाई चल रहा है। तो बहुत ही जल्दी में चल रहे हैं ये, और मैं थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूँ। तो ये देखो, वो जा रहे हैं बाबा लोग, ये देखो। तो आपका भाई भी पीछे पीछे चल रहा है आराम से। ये है नेचुरल ट्री हाउस, जो कि आप देख ही सकते हो। तो किस तरह का ये नेचुरल ट्री हाउस बना हुआ है पहले से ही, ये नहीं किसी बंदे ने बनाया, ये नेचुरली सा कुछ बना हुआ है। तो आप देख ही सकते हो कि ऊपर तक की, इसको देखो कैसा है, पूरा ऊपर देखो। और ये देखो, ये नेचुरल ट्री हाउस है, और भाई आपका इधर आराम फरमा रहा है। तो थोड़ा रेस्ट मार लेते हैं इधर, फिर अपना जो कंटिन्यू करते हैं सब रूप इधर। तो चलो फिर मिलते हैं रास्ते में, चलते।
तो कुछ इस तरह का रास्ता है, पूरा जंगली जंगल है और हमें जंगल से होकर जाना पड़ रहा है और ऊपर जाकर थोड़ा सा प्लेन एरिया आ जाएगा, तो उधर हम अपना लंच भी करेंगे। तो अभी हम घंटा डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अभी चढ़ते ही जा रहे हैं, तो कुछ देर बाद हम अपना लंच करेंगे ऊपर। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं लंच पर। अभी हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और इधर हम अभी लंच करेंगे, तो हमारे पास पानी की थोड़ी सी कमी है, तो अब हम थोड़ा पानी लेने जा रहे हैं इधर आगे। साथ में ही नेचुरल वाटर है जो कि इधर साथ में ही है, और हम दो बंदे जो है वो पानी लेने जा रहे हैं और बाकी जो बाबा लोग हैं वो आग वगैरह जला रहे हैं। तो लंच हम घर से ही बना के लाए थे, तो अभी इधर हम खाएंगे क्योंकि इसके बाद हम ऊपर कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं, तो इसके ऊपर हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तो हम इधर से ही खा के जाएंगे। तो ऊपर जाकर फिर मंदिर में ही हम शाम को खा सकते हैं। तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, चलो फिर डिनर लंच और मिलते हैं। तो अब हम लंच वगैरह करके चल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर। तो अब चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है चढ़ना, उधर से हमने लंच वगैरह किया था और अब हम अपना जो है सफ़र वो कंटिन्यू कर रहे हैं इधर से। अभी हमें डेढ़ घंटा और लग जाएगा चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, और अब तो धूप भी सीधा माथे को ऊपर पड़ रही है। और ये देखो बाबा लोग सारे, ये देखो बाबा लोग सारे अपने चढ़ रहे हैं इधर से, और आपका भाई भी चढ़ रहा है। तो नीचे जंगल से होकर आए तो उधर तो उतनी धूप नहीं थी, बट अब प्लेन एरिया आ गया है तो इधर धूप सीधा माथे के ऊपर पड़ रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है चढ़ने में भी। तो अभी अभी हमने चढ़ना स्टार्ट ही किया है, जस्ट 5 मिनट हुए चढ़ने चढ़ते चढ़ते। तो चलो फिर ऊपर मिलते हैं आपके साथ, तब तक आप व्यू इंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो जय शंभू। ये देखो वो रहेगा हमारा ऊपर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। और ये देखो व्यू चेक मारो यार आप, क्या ही बोले दोस्तों। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, आप ही देख सकते हो कि कितना डेंजरस है। ये देखो और नीचे सिर, ये देखो कुछ ऐसे ऐसे रास्तों से होकर जाना पड़ता है, बहुत ही एडवेंचर्स होते हैं, कोई आसान काम नहीं होता है ट्रैकिंग पर भी जाना भी। तो आप देख सकते हो, और ये देखो ये व्यू, ये देखो व्यू, ये देखो। Thank you.
तो हे एवरीवन, आपका भाई पहुंच चुका है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जहां पर कि सारी चढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद जो भी एरिया बचा है वो सारा प्लेन एरिया है। तो अब हमें चढ़ाई चढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सारी चढ़ाई थी वो हमने कंप्लीट कर दी है, और इधर ही हमारा हाफ ट्रैक भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।